नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, दिल्ली स्टूडियो से। आप देख रहे हैं मिटके बाजार। हालांकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी है, आरबीआई पॉलिसी के ठीक बाद मार्केट सब दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। 122 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 7636 के लेवल पर। सेंसेक्स में भी 300 अंकों के, इनफैक्ट अब 400 अंकों की कमजोरी देखी जा रही है। 1.5% से ज्यादा की वीकनेस के साथ डेल ओपर ट्रेड कर रहा है। बिकवाली आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखी गई है। मुनाफा वसूली हावी हुई आज के सेशन में, और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट इस वीकनेस में कर रहे हैं इंटरेस्ट सेंसिटिव्स, जो बीते एक महीने में आरबीआई पॉलिसी में के होप्स के बीच में काफी चले थे। आप देखिए निफ्टी बैंक को, ऑटो इंडेक्स को, दोनों इंडेक्स में 300 अंकों से ज्यादा ही कमजोरी भी देखी जा रही है। 350 अंक नीचे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, और ऑटो इंडेक्स में भी 350 अंकों की कमजोरी अभी भी बनी हुई है। रियल्टी इंडेक्स फ्लैट विद नेगेटिव बायस, 27 पॉइंट्स की वीकनेस देखी जा रही है। लेकिन एक दिन के निचले स्तर पर भारतीय बाजार भी कामकाज कर रहे हैं। 25 बेसिस पॉइंट का कट आरबीआई गवर्नर की ओर से आया है, और 25 बेसिस पॉइंट का कट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद लेवल्स पर फैक्टर्ड इन था, इसीलिए शायद प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में हावी हुई। और ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते भी हैं कि जो हाल ही में इंडेक्स में 10% के आसपास का मूव आया है, उसके बाद इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग जो देखी जा रही है वो एक्सपेक्टेड ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। अगर शायद आज 50 बेसिस पॉइंट का कट आता तो शायद मार्केट को सपोर्ट मिल पाता। उसके उलट जो क्यूज आज इंटरनेशनल मार्केट से मिले थे वो भी नेगेटिव थे। यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत थी वो भी बेहद कमजोर नोट पर है, जिससे मार्केट में जो दबाव था आरबीआई पॉलिसी के बाद वो और स्ट्रेच हुआ। ये यूरोपीय बाजारों का हाल आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए तीनों ही यूरोपियन इंडाइसेस 1.5% से ज्यादा की वीकनेस के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। और अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां भी करेक्शन देखी जा रही है। यूएस फ्यूचर्स, फिर चाहे वो डाउ फ्यूचर हो या फिर नेस्डेक फ्यूचर्स हो, 0.5% से ज्यादा की वीकनेस के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकवाली है यूरोपियन मार्केट्स में भी। यूएस मार्केट्स भी आज वीक ओपन हो सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है फ्यूचर्स को देखकर, और इसी वजह से इंडियन मार्केट्स में भी जो दबाव है वो और स्ट्रेच हुआ है। और जिस तरह से मैंने अभी कहा कि जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की वीकनेस में, उसमें इंटरेस्ट सेंसिटिव प्रिसाइसली बैंक्स और ऑटो स्टॉक्स। लेकिन जो आपकी तमाम क्वेरीज हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, तो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन आप ऑन द शो देखिए, हम आपको बताएंगे आज के कौन से वो स्टॉक्स है जो आज करेक्शन देखा जा रहा है, क्या वो और स्ट्रेच होगा, कौन से स्टॉक्स को आपको चेस करना चाहिए। आपकी जो तमाम क्वेरीज होंगी उनको भी शो में शामिल करेंगे, और होगा हमारा खास सेगमेंट शॉक बढ़ाया शेयर। लोकेश उपल, विजय चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और ठीक 1:30 बजे इनफैक्ट होगा हमारा खास शो, बचना जरूरी है। लेकिन पहले एक निफ्टी पर ही लोकेश का कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपकी क्वेरीज को भी शो में शामिल था जिसको ब्रीच कर दिया है लोकेश आज निफ्टी इंट्राडे में, और अभी दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अगर टेक्निकल प्योर टेक्निकल के बेसिस पर बात करें तो अभी अगला सपोर्ट आप निफ्टी पर कहां देख रहे हैं, और जो अभी करेक्शन देखी जा रही है और स्ट्रेच हो सकती है यहां से? गुड आफ्टरनून दीपाली, जैसे हम जानते हैं कि कल हमने दिया था कि निफ्टी में 7700 का स्टॉप रख के हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि 7770 एक ऐसा लेवल था जहां पे निफ्टी में काफी सप्लाई देखी जा रही थी। तो कल निफ्टी ने 7762 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद सेल ऑफ देखा गया मार्केट में। निफ्टी इज क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 7633 एंड 7674। अगर हम इसके डेली चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं दीपाली जी, तो यहाँ पे साफ नजर आता है कि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन पर ब्रेकडाउन हो रहा है, जहां पे एक सपोर्ट जोन आती है निफ्टी की, वो आती है 7620 और 7580 के आसपास। यहीं तक निफ्टी को जाकर एक सपोर्ट लेनी चाहिए, और वहां पे बाय एंड की स्ट्रेटजी बनती है। वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 7280 और 7630 7620 के आसपास बाय कर सकते हैं, फॉर एन अपसाइड अराउंड 7740 एंड 7715 कमिंग डेज। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स आपको हम बता देते हैं जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखा जाए। इनफैक्ट पहले तो बैंकिंग को देख लेते हैं। आप देखिए इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर भी है, एसबीआई 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी स्टॉक्स में भी एक कमजोरी आज के सत्र में देखी जा रही है। ये कुछ हाल है बैंकिंग स्टॉक्स का। प्राइवेट बैंक्स का हाल भी आपकी स्क्रीन पर ही है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा यस बैंक जैसे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली आज के सत्र में हावी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ एक स्टॉक्स आपको ऐसे बता देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखा जा रहा है, जहां पर स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ मूव आज के सेशन में बना हुआ है। इनफैक्ट देखेंगे, लेकिन ये रियल्टी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ी और स्ट्रेच हुई है। डीएलएफ, यूनिटेक, ये सभी स्टॉक्स हाल ही में काफी चले थे, और एक बार फिर से आज के सेशन में मोमेंटम देखा जा रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर मजबूती आज के सेशन में देखी जा रही है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, वो हम आपको बता देते हैं। आप देखिए आज फिर से जो फुटवेयर स्टॉक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। प्रिसाइसली आप देखिए रिलैक्सो फुटवेयर को आप करीब करीब 9 से 10% की बढ़त के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है। और स्टॉक्स आप देखिए स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी से, देखिए बालाजी अमाइंस का यहाँ भी वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिखी है, और 7.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज, यहाँ भी 7.5% की मजबूती देखी जा रही है, 128 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एलएनटी फाइनेंस को आप देखिए 7% की मजबूती यहाँ भी है, 69 के लेवल्स पर
पर कामकाज कर रहा है। और एक आप देखिए फार्मा स्पेस से बायोकॉन को, बायोकॉन पर मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट आई है जिसमें काफी बुलिश स्टांस रहा है और स्टॉक सुबह से स्ट्रांग है, अभी भी 7.5% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पर। इसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्रीज, पायनियर इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट लिकर स्टॉक्स को देख लेते हैं, कल भी ये पूरी पॉकेट चली थी और आज भी स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड कर रही है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 5% ऊपर है, पायनियर इंडस्ट्रीज में भी 5% की बढ़त देखी जा रही है, साथ ही लिकर स्टॉक्स की कैटेगरी अब देखिए जीएम ब्रिवरीज को, अब देखिए इन सभी स्टॉक्स में कल की तेजी आज भी मेंटेन कर, जीएम ब्रिवरीज हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। लेकिन चलिए अब आपकी क्वेरीज को शामिल करना शुरू करते हैं और जो सवाल हमारे पास आया है, इनफैक्ट ये सवाल आया है अमित का इंदौर से। अमित नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। नमस्ते मैम, एक दफा मैम मेरे पास टेक सॉल्यूशन के 150 शेयर हैं। टेक सॉल्यूशंस के? जी मैम। आपका परचेजिंग प्राइस क्या है अमित? 151। लोकेश क्या करना चाहिए टेक सॉल्यूशंस में? 139 पर ट्रेड कर रहा है, इनका परचेजिंग प्राइस 151 का है, नुकसान में। क्या स्ट्रेटजी आप रेकमेंड करेंगे? जी दीपाली जी, अगर हम टेक सॉल्यूशंस के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे जो स्टॉक ने 121 के आसपास बेस फॉर्म किया है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन रेंज है स्टॉक की वो 145 रुपए से 121 रुपए के आसपास है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट साफ साफ सजेस्ट करते हैं कि इसमें अपसाइड देखी जा सकती है। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 121 एंड यू कैन सी एन अपसाइड अराउंड 160 टू 118 शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। सो होल्ड ऑन टू टेक सॉल्यूशंस 139.70, 1.51% लोअर, ऐसे लोकेश की राय है।